गुड आफ्टरनून सर, मार्केट में इंडेक्स लेवल पर देखें तो कुछ ज्यादा हलचल हो नहीं रही है, लेकिन कल बड़ा इवेंट है, इससे पहले मार्केट्स को कैसे रीड कर रहे हैं आप? हाँ गुड आफ्टरनून, तो मार्केट डिस्काउंट कर रहा है, इवेंट तो ज्यादा है, देर इज लिटिल बिट ऑफ ग्लोबल रिस्क बिकॉज ऑफ दी देखो यूएस में नंबर्स अच्छे आते हैं तो मुश्किल, नहीं आते तो मुश्किल, तो ये सब अटकलियां हो जाएंगी। इंडिया इज इन अ वेरी गुड ग्रोथ चार्ट, आप सुनिए ना, अगर उदय कोटक और मिस्टर दीपक पारिक बुलिश हैं तो फिर देर इज नो रीजन टू बी सो। हाँ स्टॉक्स हैव रन अप, तो स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा। आपने देखा है, मैं आपको अपडेट भी दे दूं, अल्ट्राटेक सीमेंट और डालमिया भारत साहब को बहुत जोर से कहा था सीमेंट आउट परफॉर्म करेगी, वो चल गए। कल आपको बजाज ऑटो और टीवीएस का था, फॉलिंग मार्केट में भी न्यू हाई मार रहे हैं, और आज सुबह आपको रिलायंस दिलाया था, देखिए टॉप ऑफ द मार्केट में है। इसके अलावा पेट्रोनेट 212-13 में बड़ी जोर से कहा था, 216 हो गया। अब आपके लिए तीन दिग्गज स्टॉक्स हैं जो मेरे हिसाब से आउट परफॉर्म करेंगे, आप कहें तो मैं शुरू करूं। सर प्लीज बताइए कौन से स्टॉक्स हैं। सबसे पहले लीजिए भारती, देखिए रिलायंस चल रहा है तो आपको पता है कि दोनों में आरपूज आर गोइंग टू गो अप, दे आर लाफिंग देयर वे टू द बैंक, और 5G इज अ वेरी वेरी बिग इवेंट विच हैज टेकन ऑफ ब्रिलियंटली, मुझे कोई दो राय नहीं, दिस क्वार्टर ऑनवर्ड आरपूज विल बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, भारती स्टॉकिंग ऑफ 200+, और मुझे कोई दो राय नहीं, 1st of December, January यू विल स्टार्ट टू सी आरपूज राइज। 838 में लीजिए भारती, 3538 में स्टॉप लॉस ऑफ 817-875 का टारगेट इन भारती, भारती विल बी वन ऑफ द पिलर्स अलॉन्ग विद रिलायंस। सेकेंड पिक आइशर मोटर, जैसे ऑटो में आपने देखा, अब इट्स द टाइम ऑफ टू व्हीलर, रूरल इनकम्स आर स्टेबलाइजिंग, तभी मैंने कल भारती और टीवीएस का था, लेकिन सबकी चाहत है टू ओन अ रॉयल एनफील्ड, एंड नाउ आइशर हैज मेड इट इवन मोर कॉम्पिटेटिव, तो आइशर इज अ वेरी गुड बाय एट दिस 3290-3300, स्टॉप लॉस ऑफ 3220, टारगेट ऑफ 3550 इज कमिंग वेरी फास्ट इन आइशर। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट मदरसन सुमी, द बेस्ट एंड द मोस्ट कंप्लीट ग्लोबल OEM, और आप देख रहे हैं चाइना और यूरोप से अ लॉट ऑफ द ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इज कमिंग बैक टू इंडिया, द ओनली कंपनी गेट अप फॉर अ पैन वर्ल्ड प्रेजेंस इज मदरसन, दे हैव एक्सपेंडेड देयर प्रेजेंस इन एशिया, इन अफ्रीका, और मुझे लगता है 3750 इट्स अ स्टील, 70 रुपए का स्टॉप लॉस, 82 का टारगेट। ऑल राइट, तीन ट्रेडिंग आइडियाज है भसीन साहब की तरफ से। पहला है भारतीय एयरटेल, यहाँ पर 817 रुपए का लगाना है स्टॉप लॉस, 875 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। दूसरा है आइशर मोटर्स, यहाँ पर भी देखिए 3220 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, खरीदारी कीजिए, और बड़ी टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, 3550 रुपए तक के स्तर देखने को मिलेंगे। और मदरसन सोमी, यहाँ पर 70 रुपए का स्टॉप लॉस लाकर करें खरीदारी, 74 के करीब आपको मिल रहा है, यहाँ पर 82 रुपीज तक के जो स्तर है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो तीनों जो ट्रेडिंग आइडियाज है वो लॉन्ग साइड पर है, जहां पर आपको करनी है खरीदारी। शुक्रिया सर ये बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोबारा एक बार मार्केट का चेक ले लेते हैं कि फिलहाल किस प्रकार से एक्शन देखने को मिल रहा है।